वेलकम बैक वंस अगेन टू चारसदा, जहां पर आज के दिन का तीसरा मैच जारी है पेशावर फाल्कंस और मर्तान बियर्स के दरमियान। इट्स 1-1-1 इवनली पोइज्ड गेम दिस हैज बीन। कॉम बॉक्स में मेरे साथ जमशेद खान और सब्ज अली तरीन मौजूद, और हम तीनों खास तौर पे इस मैच को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आई एम श्योर जितने भी लोग जियो सुपर पर यह मैच देख रहे हैं, वो तमाम लोग जो हॉकी फैंस हैं, जो हॉकी फैन नहीं भी हैं, वो इस एक्साइटमेंट से भरपूर हॉकी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो सब्ज अली तरीन, मैं जब पेशावर आ रहा था तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि जी पेशावरी चप्पल आपने ज़रूर लेनी है। तो मैंने यहाँ पर आकर जाना कि चप्पल तो चारसद्दा में बनती है। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर बहुत दिलकश, दैदाज़ेब और ज़बरदस्त आला मयार के चमड़े से बनी हुई ये चप्पल, ये चारसद्दा ही में बनती हैं। चारसद्दा में इसका आगाज़ हुआ था बनने का, और यहाँ इसके सैकड़ों हज़ारों कारीगर हैं, और एक बहुत बड़ी मार्केट है जो यहाँ से पूरे मुल्क और बैरूनी मुल्क भी इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। लोग पंजाब और सिंध वगैरह से यहाँ आते हैं ख़रीदने के लिए, बहुत पसंद करते हैं इसमें। तो ये चारसद्दा में बनते हैं और पेशावर में भी बनते हैं, लेकिन इसका जो आगाज़ होता है चारसद्दा में। इसकी खसूसियत ये है कि इसमें जो चमड़ा होता है आला मियार का चमड़ा होता है, तो इसी वजह से, और इसमें डिज़ाइन भी रोज़ बरोज़ तब्दील हो जाते हैं, नए नए डिज़ाइन भी आ जाते हैं, तो लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये चारसद्दा की एक मसनूआत है, हमने सौगात देखी, ये मसनूआत है, बागात भी देख लेंगे। आपने ये बताया कि चमड़ा इसकी खासियत है, मेरे हिसाब से जो कारीगर है उसकी भी खासियत है। असल में कारीगर तो है, डिज़ाइन भी इसकी डिज़ाइनिंग के अलग लोग हैं, बनाने के अलग लोग हैं, और उसमें जो चमड़ा इस्तेमाल होता है वो बिल्कुल ज़बरदस्त अलग क्वालिटी का है। दूसरे हाफ का पहला क्वार्टर शुरू होने वाला है दोनों टीमें ग्राउंड में, और ये देखें रिप्ले में आप देख रहे हैं, जो पहला गोल जो मर्दान की टीम ने किया था, ये पहला गोल आदिल ने किया, पहले क्वार्टर का पहला गोल था ये, और अच्छी खेल का मुजारा। ये दूसरे, ये मर्दान की अबूबकर ने पेशावर की तरफ से ये पेनल्टी कॉर्नर पे गोल किया था, और इसी गोल की वजह से दोनों टीमों ने एक एक गोल किया और मैच बराबर हो गया। अच्छा दानिश, एक बात इसमें आपने नोट की कि एक बहुत कांटे का मुकाबला हो रहा है। पेशावर को दो पेनल्टी कॉर्नर मिले हैं, मर्दान को समय नहीं मिला अभी तक, उसने एक ही गोल किया लेकिन पेनल्टी कॉर्नर नहीं मिला अभी तक। आपने दो क्वार्टर हो गए। बिल्कुल, उसके साथ साथ अगर हम मर्दान की फॉर्मेशंस की बात करें और पासिंग की बात करें, तो बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में पासिंग करते हुए नजर आए, यानी कि आपस में एक अरसे से ये लड़के खेलते भी आ रहे हैं, इनकी बड़ी ज़बरदस्त केमिस्ट्री और बड़ा ज़बरदस्त टीम वर्क ऑलरेडी बना हुआ है। दानिश बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये मर्दान की टीम जो है ये मर्दान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में एक साथ ही प्रैक्टिस करती है, तकरीबन ये सारे प्लेयर जो हैं एक ही एस्ट्रोटर्फ है उसी पे ये सारे प्लेयर इकट्ठे होकर प्रैक्टिस करते हैं। मैच का दूसरे हाफ का पहला क्वार्टर शुरू होने वाला है। Right, Peshawar Falcons starting the third quarter. Abu Bakr ke paas ball, he's been rock solid for his team till now. ये सेंटर ऑफ से आउटसाइड लेफ्ट की तरफ, लेकिन मर्दान के खिलाड़ी वहाँ मौजूद था, उन्होंने गेंद को हासिल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद मिली है मर्दान के 9 नंबर के खिलाड़ी को, उन्होंने अपने 10 नंबर के खिलाड़ी को पास किया, वो गेंद को उन्होंने अपने राइट हाफ को गेंद दी, राइट हाफ गेंद को लिए हुए आगे बढ़ रहे हैं। जुनेद कमाल के पास गेंद, उन्होंने बैक पास किया अपने अकील को, अकील अच्छा गेंद पे का आदिल की तरफ, लेकिन वो गेंद को ना रोक सके और ये गेंद गोल लाइन क्रॉस कर गई। बगैर देखे जिस तरह सुई में धागा पिरोते हैं ना, उसी तरह अकील ने पास किया सीधा डी के अंदर, 8-9 प्लेयर्स को चीरती हुई बॉल चली गई, जबरदस्त। ये गेरली में उन्होंने बहुत लंबा पास, पहले इसको लंबा पास बोलते हैं, और खासी अच्छा पास उन्होंने किया अपने फॉरवर्ड की तरफ, लेकिन वो गोल को गेंद को ना रोक सके। दोबारा अकील के पास गेंद, अकील ने जकरिया के पास ने अपने आउटसाइड राइट को गेंद दिया, आउटसाइड राइट ने डी की तरफ गेंद को फेंका, लेकिन गेंद गोल लाइन क्रॉस करके पुशिंग लेंगे पेशावर फाल्कंस के फुल बैक अबू बकर। खासी बड़ी तादाद यहाँ पर हॉकी फैंस की भी मौजूद, जो इस गेम से महसूस हो रहे हैं और यकीनी तौर पर एक्साइटमेंट हमारी तरह महसूस कर रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे इस टूर्नामेंट के एक्साइटिंग मैचेस को। आउटसाइड लेफ्ट की तरफ गेंद फेंका, आउटसाइड लेफ्ट पेशावर के पास गेंद, उन्होंने अभी तक उनके पास गेंद, साथ साथ मर्दान के डिफेंडर
जकरिया पीछे आए हुए गेंद को उन्होंने हासिल किया और अभी पुशिंग मिला है मर्दान के खिलाड़ी को। अंपायर ने कहा कि अपनी जगह से फाउल लिया, जहां फाउल हुआ था गेंद को पीछे फेंका। और बिल्कुल मर्दान बैस के लिए अब जुनेद कमाल ने बैक पास किया। जकरिया हैज बीन सो इंप्रेसिव और मर्दान बैस, जितनी भी तारीफ की जाए इस लड़की की कम है। डी के अंदर बॉल आया लेकिन उसको जाने दिया। दरअसल जकरिया ने मर्दान डिफेंस अच्छी खेल रही है, साथ साथ में इनके फॉरवर्ड में स्पेशली जकरिया तीन नंबर के खिलाड़ी अकील जो हैं वो अच्छे खेल का मुजाहरा कर रहे हैं। तकरीबन आज मर्दान की टीम ओवरऑल अच्छे खेल का मुजाहरा कर रही है। बॉल का कंट्रोल जितना मैच हुआ है उसमें तकरीबन मर्दान के पास ज्यादा है। बिल्कुल, साथ साथ अब अदील के गेम को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अदील और अकील दोनों ही अपना रोल निभाते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त और यही वजह है कि मर्दान की टीम अभी तक हावी नजर आई। अपने से तगड़ी टीम अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, पेशावर फाल्कन टीम बहुत बड़ी टीम मानी जाती है इस टूर्नामेंट की। बिल्कुल दानिश, और इन्होंने अच्छे बड़े मार्जिन से मैचेस जीते हैं। मर्दान की टीम पहला मैच हार गई थी, दूसरा मैच डीआई खान से जीती, लेकिन आज ओवरऑल अच्छे खेल का मुजाहरा करी। जितने भी देखा जाए तो उन्होंने अच्छे मूव बनाए और अच्छी पासिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। अभी 16 अगस्त की हिट लेंगे मर्दान के फुल बैक। नन्हे मुन्ने बच्चे भी इधर आए हुए हैं, ये हमारे मुल्क का फ्यूचर हैं जो इंस्पिरेशन हासिल कर रहे हैं अपने सामने इन स्टार्स को खेलता देखकर। चकमा दिया डी के अंदर, कंपोजर का मुजाहरा किया अबू बकर ने, एरियल बॉल को इंटरसेप्ट किया। अभी तक जो मैच हम देख रहे हैं कि तकरीबन दोनों टीमें बराबर है, एक एक गोल भी किया है और अभी थोड़ी वो तक भी जाएंगे तो देखिए जो ज़्यादा फिटनेस जिसकी अच्छी हो शायद वो जीत लेंगे, वो अच्छी खेल का मुजाहरा कर सकें। शायद नहीं, यकीनी तौर पर, क्योंकि जब आप थकना शुरू होते हैं तो आपके आसाब के ऊपर थकन हावी हो जाती है। ऐसा ही है बिल्कुल दानिश, तरीन साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। और अभी जो प्लेयर फिट होगा और वो मैच का जो बड़े मैच का ये प्रेशर बर्दाश्त कर जाएगा, वही प्लेयर जो है अच्छे खेल का मुजाहरा करेगा और वही टीम को अच्छा रिजल्ट देगा अपनी को, और वही टीम जीत जाएगी ये टीम ये मैच। ये पुशिंग लेंगे पेशावर फाल्कन्स के खिलाड़ी, उन्होंने अपने सेंटर हाफ को गेंद दी सेंटर हाफ से राइट हाफ की तरफ। राइट हाफ 16 नंबर के खिलाड़ी गेंद को अच्छे खिलाड़ी को डॉच किया उन्होंने और गेंद को लिए आगे बढ़ने, उन्हें सेंटर हाफ को पास दिया यासर से अपने आउटसाइड इनसाइड लेफ्ट की तरफ मुर्तजा गेंद को लिए आगे बढ़ने, लेकिन इब्राहिम वहां मौजूद मर्दान के राइट हाफ इब्राहिम ने अपने जकरिया को गेंद दिया। जकरिया को फाउल मिला है साइड लाइन के नज़दीक, साइड लाइन से पुशिंग लेंगे इब्राहिम। बहुत खूबसूरत पासिंग गेम नज़र आ रहा है इस वक्त मर्दान बेयर्स की जानिब से और एक बहुत ही मंजी हुई डिफेंस लाइन को चकमा देते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बार फिर हन्नान शाहिद अब अपना रोल प्ले करते हुए, उनके साथ साथ फॉरवर्ड भी मौजूद। हन्नान शाहिद का बैक पास सीधी डी के अंदर, बॉल आई और उसको क्लियर करने में कामयाब हुए। दैट वाज अ बिग अपॉर्चुनिटी, बहुत टाइम पे गोल फिकर गोलकीपर बहुत टाइम पे निकले दानिश, अगर गोलकीपर एक सेकंड भी लेट हो जाते तो ये यकीनन गोल था और अच्छे खेल का मुजाहरा किया मर्दान के गोलकीपर ने। अभी कॉर्नर मिला है ये 25 के नज़दीक पुशिंग मिली है पेशावर फाल्कन्स की टीम को। अबू बकर आए हुए हैं आगे, उन्होंने पुश करके पास देने की कोशिश की लेकिन मर्दान के डिफेंडर ने गेंद को हासिल किया और गेंद को लिए हुए आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा पास अपने फॉरवर्ड की तरफ, फाउल मिला है, डेंजर हो गया था, अंपायर ने फाउल दिया है पेशावर फाल्कन्स की टीम को। राइट, आप जियो सुपर पर तो ये मैच बराए रास्त नशर होता हुआ देख ही रहे हैं, साथ साथ www.jiosuper.tv/live पर आप लाइव स्ट्रीमिंग भी देख सकते हैं। हम यकीनी तौर पर जिक्र करेंगे यहाँ पर वकार का जो गोलकीपर है मर्दान बेयर्स के, विल टॉक अबाउट एज वेल। अबू बकर फिलहाल मूव क्रिएट करते हुए अच्छा पास था सीधा डी के अंदर, हम वकार का जिक्र कर रहे थे, इन्हीं के हम नाम हैं वकार जो पाकिस्तान की नेशनल टीम की नुमाइंदगी करते हैं, वो हाइस्ट बिट प्लेयर थे इस टूर्नामेंट के। आई मेड अ मिस्टेक इनिशियली क्योंकि इनके हम नाम थे तो मैं समझ रहा था ये वही वाले वकार हैं, बट अपने हम नाम की तरह बेहतरीन खेल पेश कर रहे हैं, कोई शक नहीं है इसमें। बिल्कुल दानिश, आपने सही चेक किया और वो जो है वो अजय कीपर का आपका जिक्र किया वो मर्दा वो मलक, अच्छा मौका है, बहुत अच्छा मौका था लेकिन
अच्छी सेफ की गोलकीपर ने, टाइमली निकले थे वो गोलकीपर। आज गोलकीपरों की आप बहस कर रहे हैं तो तीनों, मतलब जिसका आपने बहस किया सबसे महंगा मतलब उसका रेट है वो मल्लकंड की तरफ से खेल रहा है, लेकिन ये दोनों गोलकीपर भी जो है बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा कर रहे हैं। वाकई दोनों गोलकीपर ने बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा किया है और दोनों ने बिल्कुल वो यकीनी गोलों को बचाया है। अगर हम पाकिस्तान में गोलकीपर्स की बात करें तो एक बहुत ही रिच हिस्ट्री रही है जमशेद साहब, हमारी दुनिया में बड़े बड़े गोलकीपर्स जो शुमार किए जाते हैं उनका शुमार पाकिस्तान, उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। बिल्कुल, दानिश सा मतलब सलीम शेरवानी जो थे वो बहुत पुराने प्लेयर थे, उसके बाद जो है पाकिस्तान के कमरजिया आ गया, फिर उसके बाद जो था वो आ गया शाहिद अली खान आ गया, शाहिद अली खान दुनिया का एक बेहतरीन था, उसके बाद जो था ये नीचे आ गए इखलाक अहमद आ गया बहुत बेहतरीन गोलकीपर था, अभी कासम आ गया, तो अच्छे गोलकीपर हैं पाकिस्तान के पास। अच्छा मौका था लेकिन गेंद को टच ना कर सके और ये पेशावर फाल्कन के खिलाड़ी छोटा सा पास दिया अपने फॉरवर्ड को और डी के अंदर दाखिल होने। अच्छा डिफेंस, मैं कहता हूं बहुत अच्छे डिफेंस का दानिश, दोनों टीमें बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा कर रही हैं और गेंद मिला है आउट हमजा को, हमजा के पास गेंद, हमजा अभी तक हमजा तीन खिलाड़ियों के दरमियान थे, उन्होंने कोशिश की उनको बीट करने की, कामयाब नहीं हुए। पुशिंग मिली है मर्दान की टीम को, मर्दान की टीम कोशिश कर रही है किसी तरीके से पोलेंटी कॉर्नर हासिल करने की, कामयाब नहीं हुई और पैरेलल अटैक हुआ अनान शायद से आउटसाइड राइट गेंद को लिया गया। अच्छा बीट किया, अच्छा मौका है, बहुत अच्छा मौका है पेशावर के लिए, बहुत अच्छा मूव बनाया पेशावर ने, तीनों प्लेयर बहुत अच्छा खेल का मुजाहरा किया, एक दूसरे के पासिंग की, ये पैरेलल अटैक हुआ और डायरेक्ट जाके गोल हो गया, तो मर्दान की टीम इस वक्त ये मैच एक गोल से हार रही है। वो मूव जिसका आगाज अनान शाहिद ने किया उसका इख्तिताम बहुत शानदार अंदाज में मुर्तजा करने में कामयाब हुए, लेकिन सिर्फ गोल स्कोरर का जिक्र नहीं होना चाहिए, इधर पूरी टीम का एफर्ट था जिसकी वजह से ये गोल हुआ, तीन से चार पासिस के बाद मुर्तजा गोल करने में कामयाब हुए। अगर वो सीधा जाते तो मुमकिन नहीं था, अपने वो खिलाड़ियों को उसने पास दिए तो इसी वजह से ये मुमकिन हुआ, बहुत शानदार खेल का मुजाहरा। हन्नान के पास गेंद, अच्छा अटैक किया था इससे पहले जिसकी वजह से गोल भी हो गया था, अच्छा पास अपने फॉरवर्ड को दिया, गेंद को लिए हुए आगे बढ़ रहे हैं, आए सात डिफेंडर थे उन्होंने गेंद को हासिल किया, मर्दान की टीम ये मैच एक गोल से हार रही, अच्छे खेल का मुजाहरा दोनों टीमों की तरफ से। लेफ्ट हाफ अपने पुशिंग लेंगे, छोटा सा पास अपने फुलबैक की तरफ, फुलबैक से राइट फुलबैक से इब्राहिम के पास गेंद, इब्राहिम गेंद को लिए आगे बढ़ रहे अपने सेंटर हाफ को उन्होंने गेंद दी, छह नंबर के खिलाड़ी गेंद को लिए आगे बढ़े, जुनैद कमाल गेंद को लिए आगे बढ़ रहे हैं, जुनैद कमाल अबू बकर को बीट किया, डी के अंदर दाखिल हुए डेंजर एरिया में और ये पलंटी कॉर्नर मिला है मर्दान की टीम को, अच्छे टाइम में अच्छा पलंटी कॉर्नर मर्दान की टीम को, मैच 2-1 का मुकाबला जारी है, पेशावर की टीम ये मैच एक गोल से जीत रही है। बिल्कुल जमशेद खान, अगर हम मॉडर्न डे हॉकी की बात करें तो एक गोल की बर्तरी या बिल्कुल मायने खेज नहीं समझी जाती है, देखें रिप्ले में किस तरह जवाद ने कॉर्नर हासिल किया, बिल्कुल अच्छा और अंपायर ने अच्छा चेक किया, पलंटी कॉर्नर मिला है मर्दान की टीम को और अच्छा मौका है मर्दान को, बिल्कुल दानिश आपने कहा कोई मानी बल्कि आखिरी सेकंड में भी गोल हो सकता है क्योंकि फास्ट ग्राउंड है किसी भी वक्त, और ये गेंद फेंकी, ये रुकी और ये पुश और ये गोल मर्दान की तरफ से और जकरिया ने गोल कर दिया राइट इन, अच्छे खेल का मुजाहरा पाकिस्तान एयरफोर्स के ओनेहार शाहीन का, अच्छे खेल का, ये गेंद देखें रिप्ले में, ये गेंद फेंकी, ये रुकी, ये स्कूप करके उन्होंने गेंद को डी में फेंक दिया और ये गोल जकरिया क्या बात है, एक और एंगल से ये गोल देखिए, अकील थे इनफैक्ट जिनकी ये जुनैद कमाल थे इनफैक्ट जिसकी ये शूट थी जिसकी वजह से गोल हुआ और रीबाउंड पे गोल मिला उनको, डिफेंडर से लगते हुए गई थी बॉल, बिल्कुल आउटसाइड लेफ्ट जवाद के पास गेंद, जवाद का आपने इनसाइड लेफ्ट को गेंद, इनसाइड लेफ्ट से अच्छा पास अपने फॉरवर्ड की तरफ, गेंद को उन्होंने हासिल किया, आदिल से गेंद छीनी, गेंद मिला है पेशावर के खिलाड़ी को,
राइट एक बार फिर उस्मान बॉल को लेके, इनफैक्ट मुर्तजा बॉल को लेके आगे बढ़ रहे हैं। बैक पास मुर्तजा का अबू बकर की जानेब, अबू बकर बॉल को निकालना चाहते थे लेकिन डिफेंडर वहां पर मौजूद। फाउल यकीनी तौर पर मिला है अबू बकर को। मर्दान की जानेब से एक बार फिर अच्छी खेल का मुजाहरा, एक गोल से वो हार रही थी। अच्छी अपॉर्चुनिटी थी लेकिन पीछे से टैकल करने की कोशिश कर रहे थे हॉकी स्टिक से। ये लड़का जो है इब्राहिम, दो नंबर का खिलाड़ी है और ये पाकिस्तान नेशनल टीम जूनियर का हिस्सा रह चुके हैं और अच्छे खेल का मुजाहरा कर रहे हैं। वैसे दानिश आपने कहा कि एक में एक गोल जो है कोई हैसियत नहीं रखता और वहीं हो गया, वो बराबर हो गया और इतने बड़े मैच में एक गोल की लीड बहुत कम होती है, लेकिन मतलब जो अगर टीम अपने आप के आसाब पे काबू कर ले तो मेरा ख्याल है वो एक गोल भी काफ़ी है। बिल्कुल, इससे पहले जो हम मैच देख रहे थे कोहाट ईगल्स का और उनके सामने पैंथर्स की टीम थी, उस गोल में तो पैंथर्स 5-0 से लीड कर रहे थे, फिर कोहाट ने तीन गोल मारे, फिर एक गोल मारा पैंथर ने, फिर कोहाट ने दो गोल और मारे, इवेंचुअली वो 7-5 से जीतने में कामयाब हुए। उसमें कोई मत हो जाता है, बाकी बस वो फिटनेस आस्ते आस्ते बहाल हो जाती है, स्टेमिना आ जाता है, फिट हो जाती है टीम, वो आस्ते आस्ते अपना टेम्पो बहाल करके अटैक करती है और जिम मैच को पासा जो है अपने परले में ले आती है। ये अबू बकर से उनका राइट फुल बैक, दोबारा अबू बकर कोशिश कर रहे हैं कि टीम जो पीछे गई है वो आगे आ जाए, इसलिए अबू बकर और उसके साथी ने एक दूसरे को पास किए। अबू बकर खुद गेंद को लिए आगे बढ़ रहे, अबू बकर गेंद को लिए, अबू बकर अच्छा पास अपने पास, अच्छी ट्राई और ये गोल अबू बकर ने अच्छी कोशिश की, अच्छे खेल का मुजाहरा, बेहतरीन गोल। ये ट्रेनिंग ड्रिल थी जमशेद साहब, क्लियरली ट्रेनिंग ड्रिल थी, जिस तरह बॉल को लेके आगे बढ़े हैं, प्लेयर ने अपनी डी के अंदर जगह बनाई है, दूसरा प्लेयर गोल पोस्ट के पास मौजूद था, हर प्लेयर को अपनी पोजीशन का बखूबी इल्म था जिसकी वजह से ये गोल स्कोर किया है। बहुत अच्छी ड्रिल थी दानिश और इन्होंने आपने देखा इन्होंने दो तीन पास आपस में किए जिसकी वजह से जो टीम खड़ी थी वो हिल गई अपनी जगह से, जैसे ही वो हिली इन्होंने गैप देखा, गैप में से निकल गए, सीधा अपने लेफ्ट हैंड को गेंद दी और वहां से उन्होंने गोल कर दिया। अच्छे खेल का मुजाहरा दोनों टीमों की तरफ से और अभी मर्दान की टीम ये मैच एक गोल से हार रही है। एक गोल की तगड़ो में जरूर है मर्दान बेयर्स की टीम, हार मानने वाली टीम नजर नहीं आ रही मर्दान बेयर्स की, क्योंकि भरपूर जान लगा रहे हैं एक तगड़ी पेशावर फाल्कन्स की टीम के आगे। अभी तीसरे क्वार्टर का मैच हो रहे हैं तो एक गोल है उसका ये असर होता है कि मुखालिफ टीम पर थोड़ा सा उसका प्रेशर होता है, टाइम का फैक्टर भी होता है कि तीसरे क्वार्टर का गेम जारी है, तो इसी वजह से मर्दान पर थोड़ा सा ये प्रेशर होगा कि हम एक गोल से हार रहे हैं, एक बराबर करना भी है और जीतना भी है, तो उसको दो गोल चाहिए ना। मीनवाइल ज्यादा मेहनत करनी होगी। डिलिबरेटली इस वक्त पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया है पेशावर फाल्कन्स की टीम ने एंड दे कैन बी वेरी डेंजरस हियर, क्योंकि अबू बकर ने दिखाया है कि किस तरह वो चकमा दे सकते हैं गोलकीपर डिफेंस लाइन को। आपने देख लिया और इससे पहले इन्होंने प्लेंटी कॉर्नर पे गोल भी किया, ये एक एडवांटेज है, ये बड़ा एडवांटेज है मर्दा पेशावर की टीम के लिए, लेकिन देखते हैं कि डिफेंस क्या करती है, कोशिश करेंगे वो गेंद को रोकने की। गेंद प्लेंटी कॉर्नर मिला है और एक गोल से इस वक्त पेशावर की टीम ये मैच जीत रही है। मुर्तजा की इंजेक्शन, बॉल रोकेंगे हन्नान शाहिद, अबू बकर आए, अबू बकर ने तोला और ये गोल। बिल्कुल अबू बकर छा गए इस वक्त इस मैच पे, तकरीबन अबू बकर का कंट्रोल हो गया क्योंकि इन्होंने पीछे से अटैक किया, वो भी गोल कर दिया और अभी जैसे ही आए इन्होंने प्लेंटी कॉर्नर पे दूसरा गोल कर दिया। मैं चाहता हूं रिप्ले में आप इनका कंपोजर देखें, ये देखें किस तरह आपने कंट्रोल में बॉल को रखा है, जल्दबाजी नहीं की, पहले रुक के बॉल को घुमाया दूसरी जानिब और फिर हिट ली। दानिश आपने पहले कहा था कि ये मतलब अच्छा प्लेयर है और ये नेशनल गेम की नेशनल बैंक की नुमाइंदगी भी करते हैं और पाकिस्तान नेशनल टीम का भी ये हिस्सा है, तो मैंने भी आपको कहा था कि जो प्लेयर मैच का प्रेशर बर्दाश्त करेगा वही टीम वही प्लेयर अपनी टीम को मैच जितवा देगी।
बिल्कुल, इस मैच के अंपायर्स का अगर जिक्र किया जाए तो मुबशर अली और यासिर खुर्शीद अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं एंड दे बिन ऑन पॉइंट टिल नाउ। अब ना आसान काम नहीं है अंपायरिंग करना इन मैचेस में, खासतौर पर जब इतना हाई इंटेंसिटी मैच हो रहा हो, इतनी हाई पेस हो इस मैच की। एक बार फिर मर्दान बेयर्स खतरे की घंटी बजा रहे हैं टीम में, लेकिन उसको टाला, वहां पर डिफेंडर्स मौजूद थे। अच्छे डिफेंस का मुजाहरा किया पेशावर की टीम ने और अच्छे खेल का मुजाहरा भी, वो टीम सेट होगी। लंबा पास गेम में, गेरली में अच्छा पास दिया है, डेंजर हो सकता है। अभी तक उनके पास डी के अंदर और ये उनकी कोशिश, गोलकीपर ने गेंद को रोका, दोबारा ट्राई और अच्छा मौका था लेकिन गोल ना कर सके पेशावर की टीम। खुशकिस्मत रही मर्दान की टीम, वरना अच्छा मौका था पेशावर के लिए चौथा गोल करने का। नुहेज मलिक तने तनहा बॉल लेकर डी के अंदर दाखिल हुए थे, वहां से अगर ये पास करने को तरजीह देते, यहाँ देखें आप किस तरह नुहेज मलिक ने बॉल को कंट्रोल किया, खुद शूट किया, हालांकि दो दो फॉरवर्ड्स वहां पर मौजूद थे बॉल की ताक में। बस गोलकीपर बहुत टाइम पे थे और उन्होंने देखा, आपने जैसे ही इन्होंने ट्राई किया उसके हेलमेट पे लगा गेंद, रुक गया, उसकी वजह से दोबारा वो लेट गए गेंद के आगे, उन्होंने बाहर फेंक दिया था गेंद को। और ये मैच का ये अब्दुल वली खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से आप ये नज़ारा देख रहे हैं कि इर्द गिर्द का जो इलाका है, जरखेज इलाका चरसद्दा का एक बेहतरीन व्यू है। यहाँ पर कुछ गाँव भी है और साथ साथ कैद कल्याण भी है, सरसब्ज दरख्त भी हैं, बागात भी है, जो चारसद्दा की एक ब्यूटी है, एक हुसन है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर एक बेहतरीन नज़ारा अब्दुल्ला खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चारसद्दा की। इसके करीब और भी एक जुडिशल कॉम्प्लेक्स भी है जो एक मिसाली कॉम्प्लेक्स है, बहुत तो खूबसूरत है, एशिया में वो नंबर वन खूबसूरती के लिहाज से और जदीद जुडिशल कॉम्प्लेक्स है। बिल्कुल, तो इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की भी हम बात करें तो आपको दाएं हाथ की जानब फुटबॉल स्टेडियम नज़र आ रहा है, बाएं हाथ की जानब आपको हॉकी स्टेडियम नज़र आ रहा है, साथ आपको दीगर फील्ड्स भी नज़र आ रही हैं। यहाँ पर स्विमिंग पूल भी मौजूद है, बैडमिंटन कोर्ट भी मौजूद हैं, टेनिस कोर्ट भी मौजूद हैं, तो स्क्वैश कोर्ट भी है। डिटेल्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है चारसद्दा में, हॉस्टल भी मौजूद है बाय द वे, बहुत बेहतरीन खिलाड़ियों के लिए पीछे हॉस्टल बनाए गए इनको यहाँ स्टे करने के लिए, बहुत हाई स्टैंडर्ड के हॉस्टल हैं यहाँ मौजूद। अब मैच के दूसरे हाफ का दूसरा क्वार्टर शुरू होने वाला है और दूसरे हाफ में ये मैच जो है पेशावर की टीम इस वक्त दो गोल से जीत रही है। अभी भी मर्दान बेयर्स को अपने आसाब पर काबू रखना होगा क्योंकि उनको जिस किस्म का खेल उन्होंने अभी तक पेश किया है, मर्दान बेयर्स ये दो गोल्स का खसारा किसी वक्त भी पूरा कर सकती है। बड़ी फुर्ती का मुजाहरा किया है मर्दान बेयर्स ने। बिफोर वी स्टार्ट ऑफ विद द फोर्थ क्वार्टर, हमें ज्वाइन कर चुके हैं डीजी स्पोर्ट्स केपी के असवंदियार खटक साहब। असवंदियार खटक साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, क्या ज़बरदस्त मेला लगाया हुआ है आपने चारसद्दा में। हम इतनी रौनक, इतनी एक्साइटमेंट महसूस कर रहे हैं, हम इतनी एक्साइटमेंट महसूस कर रहे हैं, तो यहाँ का यूथ जो बच्चा है, जो 12 13 14 15 साल का है, जिसने आज से 4-5 साल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है, उसका कितना खून डबल हो रहा होगा यहाँ पर। जी बिल्कुल, कोशिश ही यही थी कि जो यूथ जिसने हॉकी देखना, हॉकी खेलना बंद कर दिया था, इस लीग के ऑर्गेनाइज़ करने का के पीछे जो थिंकिंग थी वो यही थी कि यूथ को वापस ग्राउंड में लेके आया जा सके और बेहतरीन हॉकी जो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, बेहतरीन मैचेस हो रहे हैं, उनको इस खेल से एक दफ़ा फिर से मुतारफ़ कराना था। और जो हमारा हॉकी का पूल है जो कि श्रिंक होता जा रहा है, प्लेयर्स का पूल, वो इसके बढ़ाने का भी यही मकसद था। आई थिंक इस पूल पर नज़र डालने की ज़रूरत है जिस तरह केपी की हुकूमत ने डाली है, और इस पूल में जो हीरे हैं वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। मीनवाइल चौथे क्वार्टर का आगाज़ हो चुका है और एक बार फिर अग्रेशन का मुजाहरा करती हुई नज़र आ रही है मर्दान बेयर्स की टीम, और कोई चारा इनके पास है भी नहीं। असवंदियार खटक साहब, हम बात कर रहे हैं पूल की, तो 8 रीजनल टीम्स हैं केपीके की इस इवेंट में शिरकत कर रही हैं, उन जूनियर प्लेयर्स को, उन रीजनल लेवल प्लेयर्स को मौका दिया जा रहा है, वो इंटरनेशनल स्टार्स के साथ खेल रहे हैं। दिस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट फॉर एनी जूनियर लेवल प्लेयर। हम आते हैं इस बात पर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे। मीनवाइल इस वक्त उस्मान बॉल को लेके आगे बढ़ रहे हैं, बैक पास किया, हन्नान शाहिद इज सो वेरी गिफ्टेड, बैक पास किया, एक बार फिर उस्मान की तरफ, डी में दाखिल हो चुके हैं और कोशिश करेंगे पेनल्टी कॉर्नर हासिल करने की, लेकिन एक बार फिर बॉल आई उस्मान के पास, he's fighting now right now, लेकिन तारीफ बनती है यहाँ पर जमशेद साहब डिफेंडर्स की कि उन्होंने अपना काम पूरा किया, बहुत अच्छे डिफेंस का मुजाहरा किया। और ज़िक्रिया गेंद को लिए हुए आगे बढ़ रहे हैं, ज़िक्रिया इनसाइड राइट ने अच्छा गेंद अपने इनसाइड लेफ्ट को दिया, खाली अबू बकर साथ साथ हैं, इनसाइड लेफ्ट मर्दान
मर्दान दो खिलाड़ी उनके साथ साथ हैं और दोनों खिलाड़ियों के दरमियान में से एक अच्छे खेल का, अच्छे स्टिक वर्क का मुजाहरा। जकरिया को अच्छा पास दिया, जकरिया के पास गेंद, अपने फॉरवर्ड की तरफ गेंद को फेंकना चाह रहे थे लेकिन मिला है उनके आउटसाइड राइट को गेंद, उनकी क्रॉसिंग। विक्रम, इस टूर्नामेंट के फॉर्मेट की बात कर रहे थे, आसमन यार खटक डीजी स्पोर्ट्स केपीके हमारे साथ मौजूद हैं। द इजी थिंग टू डू सर वुड हैव बीन कि आप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराते, आठ टीमों को इकट्ठा करते, जियो सुपर को भी अपने साथ मिला लेते और टूर्नामेंट करा लेते, लेकिन उससे पहले आपने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया, आपने ड्राफ्टिंग कराई, आपने पाकिस्तान की क्रीम को सिलेक्ट किया और इन आठ रीजनल टीम्स में तकसीम कर दिया। उससे हुआ ये कि स्ट्रेंथ भी बढ़ गई और एक्सपीरियंस शेयरिंग हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। जी बिल्कुल, ड्राफ्टिंग ये सुपर केपी हॉकी लीग करवाना मकसद ही यही था कि एक तो कॉरपोरेट सेक्टर को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, दूसरा ये जो हमारे ओलंपियंस हैं इसमें आप देख लें, वो बकर भी खेल रहे हैं, बाकी हॉकी टीम, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कि जिन्होंने बिल्कुल हमारे एक ही कॉल पे इसको ऑनर किया और यहाँ पे अपना जूनियर वर्ल्ड कप भी आ रहा है तो सारे प्लेयर्स को यहाँ पे भेजा और जो हम अचीव करना चाह रहे थे कि That was so close. जमशेद साहब, बस खतरे की घंटी है कि अभी बजी के कब बजी? अभी बजी और बहुत बुरे वक्त में बजी, अल्लाह खैर करे। और बात यह कि यहाँ जो इब्राहिम को बाल मिली थी वहाँ अंपायर ने उसको सही तरीके से चेक नहीं कर सके वो, और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे फाउल का और वहीं से पेशावर ने अटैक किया और उसमें उनको पेनल्टी कॉर्नर मिला है। तो अभी देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है इस पेनल्टी कॉर्नर का। मैच के दूसरे हाफ का आखिरी क्वार्टर जारी है और ये मैच पेशावर फाल्कन की टीम दो गोल से जीत रही। बिल्कुल, अगर यहाँ पर पेशावर फाल्कन्स की टीम गोल स्कोर कर देती है तो बहुत बड़ा धचका होगा बेयर्स की टीम को, क्योंकि अभी तक अच्छा खेल पेश किया है और दो गोल की बढ़तरी फिर भी उतारी जा सकती है, लेकिन जहाँ तीन गोल की बढ़तरी आ जाती है वहाँ एक मेंटल ब्लॉक भी क्रिएट हो जाता है। असमंदियार खटक साहब हमारे साथ मौजूद, सर वील कम बैक टू यू, वेरी इंटेंस मोमेंट इन द मैच। मीनवाइल अमजद इस वक्त बॉल को इंजेक्ट करेंगे पेशावर फाल्कन्स के लिए। अबू बकर एक बार फिर तैयार हैं जमशेद साहब, डेंजर हो सकता है ये मर्दान के लिए क्योंकि अबू बकर ने इससे आगे तो तीन पेनल्टी कॉर्नरों में दो पे गोल स्कोर किया है और ये इस वक्त सेट है। देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है इस पेनल्टी कॉर्नर का। ये गेंद फेंकी, ये रुकी और ये गोलकीपर ने गेंद को रोका, अच्छा सेव गोलकीपर का, अच्छी कोशिश की थी गोलकीपर ने और कामयाब हो गए थे वो गेंद रोकने में और जख्मी हुए हैं मर्दान के गोलकीपर। That looked very very dangerous. बहुत जोर से हॉकी घुमाई थी मर्दान बेयर्स के अपने प्लेयर ने जो गोलकीपर की सर से लगते हुए बॉल को कनेक्ट करते हुए गई है। आप रीप्ले देखिए अमजद की इंजेक्शन जिसको हन्नान शाहिद ने रोका, अबूबकर वंस अगेन विद अ रियली स्पीडी ड्रैग फ्लिक इसको रोका और उसके बाद फिर कोलिजन हुआ जिस पर उनके सर पर बॉल लगी। दिस माइट टेक अ बिट टाइम, तो हम असमंदिया खटक साहब से गुफ्तगू करते हैं। हम चार सदा में मैचेस देख रहे हैं, मर्दान में मैचेस हो रहे हैं, केपीके के मुख्तलिफ शहरों में हम मैचेस देख रहे हैं। अगेन इजी चीज़ ये होती कि हमसे पेशावर में मैचेस करा लेते बट पूरे केपीके में फैलाने की वजह से ये हुआ कि हम ज़्यादा लोगों को इंस्पायर कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल, मकसद यही था। हम पिछले एक साल में हमने चार टर्फ डेवलप किए हैं जिसमें डी ए खान को हार्ट, चारसदा और इस्लामिया कॉलेज है। तीन टर्फ जो हैं वो हमारे बिल्कुल उसकी सिर्फ टर्फ इंपोर्ट का इंतज़ार हो रहा है, जैसे ही टर्फ पहुंचेगी तो इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर वो भी कंप्लीट हो जाएंगी। तो इसका ये था कि हम ये शोकेस भी करना चाह रहे थे जो केपी गवर्नमेंट हॉकी में इन्वेस्ट कर रही है, उसके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के टर्फ लगा रही है, तो ये मैचेस करवाना और फिर जियो सुपर को इस बात पे राजी करना कि वो एटलीस्ट दो वेन्यू से, ये हमारी डिमांड चार की थी लेकिन चूंकि वो टाइम बहुत कम था और प्रोडक्शन के जो इक्विपमेंट है उसको मूवमेंट की थोड़ी सी उसमें डिफ़िकल्टीज आ रही थी, तो अब दो वेन्यू से ये मैचेस लाइव दिखा रहे जा रहे हैं और इंशाल्लाह इसके बाद जो हमारी लीग्स होने ये पर्टिकुलरली फुटबॉल लीग हम प्लान कर रहे हैं तो उसमें फिर इंशाल्लाह हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कवर नाजर देख रहे हैं। आप अब्दुल वली खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की, क्या खूबसूरत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ये, आप हॉकी का एक्शन यहाँ पर देख रहे हैं। मीनवाइल एक और अटैक मर्दान बेयर्स की जानिब से, खतरा हो सकता है पेशावर फाल्कन्स के लिए लेकिन उसको क्लियर करने में कामयाब हुए, बिल्कुल भी मौका फराम नहीं कर रहे हैं मर्दान बेयर्स को एंड दिस इज वेयर एक्सपीरियंस कम्स इन टू प्ले जमशेद खान।
बहुत अच्छा मौका था गोल करने का, लेकिन उन्होंने कोशिश की और अभी जो है थोड़ा सा कंट्रोल मैच पे जो है पेशावर फाल्कन का आ गया है, क्योंकि वो बॉल जो है उनके पास ज़्यादा होती है, मर्दान की टीम को थोड़ी कम मिल रही है। लेकिन मर्दान ने अभी तक आपने देखे अपनी जदोजहद नहीं छोड़ी, वो जदोजहद कर रहे हैं, शायद इसी जदोजहद में उनको कामयाबी गोल आज की मिल जाए तो मैच का टेम्पो तब्दील हो सकता है। मोस्ट डेफिनेटली साइन ऑफ अ प्रोफेशनल टीम, मर्दान बेयर्स की टीम अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने में कामयाब हुई है। हम इन मैचेस को टेलीवाइज भी इसी वजह से कर रहे हैं असमंदिया खट्टर साहब, के सिर्फ केपीके की आवाम इंस्पायर ना हो, सिर्फ पाकिस्तान की आवाम इंस्पायर ना हो, दुनिया भर में ये मनाजर जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं पाकिस्तान एक पीसफुल मुल्क है, केपीके में आया जा सकता है, चारसदा को विजिट किया जा सकता है, यहाँ पर आपको मज़ेदार मिठाइयाँ भी मिलती हैं, गुड़ भी मिलता है, आपको बेहतरीन खाने के लवाजमात भी मिलते हैं, दरिया की मछली भी मिलती है, चार चार दरिया बह रहे हैं, व्हाट एल्स डू यू वांट। बिल्कुल, आपने अगर इस रिसेंट दिनों में देखा होगा, इस रिसेंट सीज़न में तो टूरिस्ट का इन्फ्लक्स आया है, तकरीबन 40 लाख टूरिस्ट ने इस केपी का विजिट किया है, तो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है टूरिज्म के। व्हाट अ गोल, टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल, दैट इज सम सीरियस पोटेंशियल देयर। बैक फ्लिक की मदद से अमजद ने बॉल को गोल पोस्ट में पहुंचाया, इम्पॉसिबल गोल था ये, बहुत अनलक गोल खा गई मर्दान की टीम। ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल जीरो एंगल से, ये देखो जीरो एंगल से रिवर्स फ्लिक पे उन्होंने ट्राई मारी, सीधा कोने में, बॉल के कोने में जाके लगी, ये बहुत कम ऐसा बॉल रुकता भी बहुत कम है, लेकिन ये गोल में बहुत कम जाता है, ये भी इसकी बदकिस्मती रही मर्दान की टीम की ये गोल खाने में। साथ साथ क्रेडिट अमजद को भी देना पड़ेगा जिन्होंने अटेम्प्ट जरूर की, बैक फ्लिक में इतनी ताकत थी कि कोई भी उसके सामने नहीं आ पाया और बॉल गोल पोस्ट में पहुंच गई। ये वो टैलेंट है जो हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं। सर, हम बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कहीं कमी नहीं है। आप उस पूल की बात कर रहे थे, उस पूल में तैरते हुए हम जो स्विमर्स हैं वो भी दिखा रहे हैं दुनिया को, देखें जी हमारे पास टैलेंट मौजूद है। बिल्कुल, जो कि अभी हमारी इनिशियल, अगर आप अभी करंट रैंकिंग हमारी हॉकी में देख लें तो कोशिश यही है कि हॉकी को फिर से रिवाइव किया जाए। बड़ा बुरा लगता है एज ए कॉम, एज ए नेशन, के जब हम देखते हैं कि हम क्वालिफाई नहीं कर पाते ओलंपिक्स में या किसी भी वर्ल्ड इवेंट में, तो ये रिवाइवल ऑफ हॉकी प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से डायरेक्शन हैं तमाम सूबों को कि टर्फ लगाएं जिम मेजर सिटीज़ में और टूर्नामेंट्स कराए जाएँ कि पूल बढ़ाया जा सके और हम क्वालिफाई कर सके एक दफ़ा फिर से। आई एम लविंग दी सीन्स फ्रॉम स्टार सदा, क्योंकि ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इतना खूबसूरत है कि यहाँ एंटर होते ही वैसे ही आपको ना ऑटोमेटिकली खुशी सी होना शुरू हो जाती है, यू स्टार्ट फीलिंग हैप्पी कि यहाँ पर हम मैचेस विटनेस करने वाले हैं। आई एम श्योर ये प्लेयर्स भी थैंकफुल होंगे टू केपीके के इस किस्म का इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया है, इनको भी अपॉर्चुनिटी मिली है सीखने की, खेलने की, एक्सप्रेस करने की अपने आप को। असमंदिया खट्टर साहब, बिल्कुल हमने पूरी कोशिश की है कि इनको फैसिलिटेट किया जाए, ये हमारे ही बच्चे हैं और अगर हमने इनको फैसिलिटेट किया और इनको ये जिस तरह हम इनकी मैचेस टेलीकास्ट करवा रहे हैं कि इनको, अब मैंने परसों एक टीवी शो पे उन्होंने पूछा कि जवाल क्यों है, मैंने कहा कि आपको पता है कि हमारे एक हॉकी के टीम के कैप्टन का नाम क्या है, तो किसी को भी नहीं पता था, तो ये मकसद यही है कि एक दफ़ा फिर लोगों को बताया जा सके कि ये हमारा कौमी खेल है। हमने इन खिलाड़ियों से जिस तरह हम क्रिकेट के खिलाड़ियों से प्यार करते तमाम स्पोर्ट्समैन से करना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। और एक बार फिर पेशावर फाल्कन्स हमले किए जा रही है। डी जी स्पोर्ट्स के पी के असमंदिया खट्टर साहब, सर बहुत शुक्रिया आपका, आगे भी हम आपको तंग करते रहेंगे और आपसे बातें करते रहेंगे। मीनवाइल जमशेद खान साहब, आपका मज़ा थोड़ा सा फीका पड़ गया, हमारा मज़ा दुबाला हो गया क्योंकि एक्साइटमेंट भरपूर चल रही है। बहुत अच्छा मैच, मज़ा फीका पड़ गया, मैच थोड़ा वन साइडेड हो गया अभी, और ये आपने जो गोल देखा रिवर्स फ्लिक पे, ये ओलंपियन रहीम खान की इजाद है, वही जो थे वो रिवर्स फ्लिक पे गोल किया करते थे, ये उनकी इजाद है, पहले टाइम ये हिट उन्होंने इजाद करवाई, इस वक्त ये पूरी दुनिया में खासी मकबूल है। एक बार फिर मर्दान बेयर्स कोशिश करते हुए आखिरी मोमेंट तक लड़ना है, यही तकाजा है प्रोफेशनलिज्म का और यही दिखा रही है मर्दान बेयर्स की टीम। मर्दान की टीम अभी कोशिश कर रही है और मैच इस वक्त पेशावर का जीत रहा है। पेशावर की टीम ने तकरीबन 5 गोल कर दिए हैं और मैच के दूसरे हाफ का आखिरी क्वार्टर जारी है। अबू बकर से राइट हाफ, राइट हाफ से इनसाइड राइट, वहां मौजूद है डिफेंडर मर्दान बेयर्स के, फाउल की हिट मिली है मर्दान की टीम। बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट तो आप देख रहे हैं जियो सुपर पर, साथ साथ आप लाइव स्ट्रीमिंग भी देख सकते हैं ऑन www.jiosuper.tv/live, ताकि आप कोई भी एक्शन
मिस ना करें इस केपी के हॉकी लीग का। एक बार फिर पेशावर फाल्कन की टीम अटैक पर, अमजद बड़ी फुर्ती के साथ बॉल को लेकर डी के अंदर दाखिल होते हैं, एक बार फिर वही का अंजाम देने में कामयाब हुए, लेकिन इब्राहिम वहां मौजूद, राइट ऑफ इब्राहिम ने गेंद को हासिल किया और साइड लाइन से बाहर फेंक दिया। पुशिंग लेंगे पेशावर फाल्कन्स के आउटसाइड लेफ्ट, आउटसाइड लेफ्ट पेशावर फाल्कन, उनके पास गेंद, अभी तक उनके पास, उन्होंने गेंद को एक साइड पे किया, टाइम को वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पेशावर फाल्कन्स के खिलाड़ी, लेकिन फाउल मिला है मर्दान बेयर्स की टीम को। इब्राहिम राइट हाफ गेंद को लिए आगे बढ़, पुश किया अपने फॉरवर्ड की तरफ, अंपायर ने कहा कि पुशिंग वहां से ली जाए जहां फाउल हुआ था। अच्छा पास अपने राइट हाफ को, जकरिया, जकरिया से आउटसाइड राइट की तरफ, लेकिन वो गेंद को ना रोक सके। ले दो मिनट में तीन चार गोल भी हो सकते हैं। बिल्कुल, एक बार फिर उस्मान बॉल को लेके आगे बढ़ रहे हैं। अब चौथे क्वार्टर में ऐसा लगा कि चौथा गियर लगा दिया है पेशावर फाल्कन्स ने, ऐसा लग रहा था कि पहले तीन क्वार्टर्स में तोल रहे थे हरीफ टीम को। नहीं दानिश, ऐसा है कि ये बहुत बड़े प्लेयर हैं इनके साथ और खासे फिट प्लेयर हैं, और उन्होंने, उनका टेम्पो नहीं बन रहा था, हंसते हंसते उनका खेल का टेम्पो बन गया, आपस में उनकी कम्बिनेशन बन गई और वहीं उनका स्टेमिना, इनसे अच्छा मौका, अच्छा मौका और एक और ड्राइव, अच्छा सेफ गोलकीपर का, अच्छी कोशिश की मर्दान बेयर्स की टीम ने। क्या बात है सुभान आपकी, दा वो सुभान गोलकीपर फॉर पेशावर फाल्कन्स, अपनी बॉडी को ऑनलाइन लगाए, ऑल्दो दे हैव लॉट ऑफ पैडिंग ऑन, लेकिन जमशेद खान साहब इस पैडिंग के बावजूद जब इतनी स्पीड से बॉल आता है कई सौ किलोमीटर की रफ्तार से, तो लगता जरूर है, लगता तो है, लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा सेफ होता है गोलकीपर, अच्छे पैड होते हैं, अच्छा चेस्ट पैड लगाया होता है, बेहतरीन हेलमेट होता है इनके पास, तो खासे सिक्योरत, लेकिन बहुत अच्छे खेल का मुजहर। अभी पेशावर की टीम अटैक पे, अच्छा मौका उस्मान, अच्छा पास, बहुत ही अच्छा पास, लेकिन अच्छे डिफेंस का मुजहर है, उन प्लेंटी कॉर्नर लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मौजूद डिफेंडर मर्दान बेयर्स, अच्छा खेल, काउंटर अटैक पास किया अपने राइट हाफ राइट आउट को, गेंद को लिए आगे बढ़ रहे हैं और गेंद छीनी पेशावर फाल्कन्स के डिफेंडर ने, गेंद को हासिल किया अपने अबू बकर से मुर्तजा से दोबारा अबू बकर ने, अच्छा पास उस्मान क्या अपने आउटसाइड लेफ्ट की तरफ, अच्छा मौका, लेकिन मर्द बहुत ही अच्छा डिफेंस मर्दान के डिफेंडर्स का, अच्छे खेल का मुजाहरा, बहुत ही अच्छा खेल खेल रहे हैं मर्दान की टीम इस वक्त, अपने आउटसाइड लेफ्ट को डिफ्लेक्ट करके गेंद देने की कोशिश की आदिल ने, लेकिन आउटसाइड लेफ्ट ने गेंद को हासिल ना कर सके। बस कुछ ही लम्हात रह गए हैं इस मैच के अख्ताम में, चौथे क्वार्टर का आखिरी मिनट चल रहा है, बढ़िया अंपायर की सवाबदीद पर होगा कि मैच को कब रोकना है। एक बार फिर डी में दाखिल हुए और एक और गोल, गोल नंबर 6 पेशावर फाल्कन्स ने किया, नोहेज मलिक, राइट प्लेस एट द राइट टाइम। दानिश गोल कर रही है पेशावर की टीम, लेकिन मर्दान बेयर्स की टीम जो है वो, उन्होंने अपना खेल का टेम्पो नहीं खोया हुए, अभी देखा आपने दो मिनट पहले मर्दान की टीम ने अटैक किया, उसके गोलकीपर ने रोक दिया उसको, उसके बाद दोबारा मर्दान की टीम ने अटैक किया लेकिन आउटसाइड लेफ्ट गेंद को हासिल ना कर सके, जैसी मर्दान पेशावर फाल्कन की टीम को गेंद मिलती है वो गोल कर जाती है, उनके खिलाड़ी जो है वो अच्छे खेल का मुजाहरा कर रहे हैं, अगेन सही पोजीशंस पर नजर आते हैं उनके फॉरवर्ड्स, और जो पासिंग हो रही है उनको उन पोजीशंस का अच्छी तरह अंदाजा है, ऐसा लग रहा है जैसे आंखों पे पट्टी भी बांध दी जाए तो वहीं पर पास करेंगे। दरअसल इनके कम्बिनेशन है या एक टीम के खिलाड़ी हैं ये तीन, जो अबू बकर हो गया, इनके सेंटर आप हो गया, इनका लेफ्ट आउट हो गया, ऐसा लग रहा है कि ये एक साथ बहुत वक्त से खेलते आ रहे हैं, क्योंकि जो अबू बकर के पास जब बहुत, उनका सेंटर आप अपनी जगह बना लेता है, उसके बाद उनका जो इनसाइड लेफ्ट है या आउटसाइड लेफ्ट है ये बहुत अच्छी पोजिशन में चला जाता है और वहीं से वो गेंद उठा के अपने फॉरवर्ड को फेंक देता है और वो गोल स्कोर कर देता है। 62वां मिनट शुरू हो गया है अब इस मैच का और बीच में कुछ स्टॉपेजेस भी आए थे तो अंपायर उस स्टॉपेजेस का टाइम अब ऐड कर चुके हैं। मीनवाइल जुनेद कमाल के पास बॉल, देखिए
कोशिश कर रही है। दानिश आपने देखो मर्दान ने बिल्कुल कोशिश नहीं छोड़ी, जितना मैच भी तेज हुआ मर्दान की टीम ने आउट के डिफेंडरों ने अच्छे खेल का बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा किया। लेकिन अभी देखिए अबूबकर के पास गए ने, अबूबकर पूरे टीम में सबसे मंझे हुए खिलाड़ी हैं। देखें अच्छा पास अपने इनसाइडर बिल्कुल फ्री, देखें तीन फॉरवर्ड है उनके, अच्छा मौका है गोलकीपर की कोशिश, ये देखें बिल्कुल फ्री बॉल तीन खिलाड़ी उनके, लेकिन अच्छा गेंद रोक है मर्दान के गोलकीपर ने और ये अंपायर ने स्ट्रोक का इशारा किया है और गालिबन अबूबकर ही लेंगे। बस मेरा ख्याल है कोई डेंजर फाउल किया है आम मर्दान के डिफेंडर ने, क्योंकि वो तीन खिलाड़ी थे पिशावर के और वहाँ मर्दान का सिर्फ एक खिलाड़ी और एक गोलकीपर था, तो उसकी कोई गलती बन गई इस डेंजर सूरत हाल में, जिसकी वजह से अंपायर ने पेनल्टी स्ट्रोक दिया है और पिशावर फाल्कन के सबसे डेंजर और महंगे खिलाड़ी जो हैं वो पेनल्टी स्ट्रोक फेंकेंगे। अबूबकर हैज बीन अ चैंप फॉर पेशावर फाल्कन्स इन टुडेज मैच एटलीस्ट। ये पहला मैच है जो हम आपके साथ जियो सुपर की स्क्रीन पर एंजॉय कर रहे हैं। अबूबकर ऑल सेट एंड यो, दैट्स अ ब्रिलियंट सेव बाय वकार, बहुत ही अच्छा सेफ और अबूबकर का स्पोर्ट्समैन स्पिरिट देखें, वो सीधा गोलकीपर के पास गए और उनको शाबाशी दी, बड़े प्लेयर की बड़ी निशानी और बेहतरीन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा अबूबकर की तरफ से और अच्छे खेल का मुजाहरा। ये गोलकीपर जो है ये मर्दान के मुसाफात शेरगढ़ का रिहायशी है और वहाँ एस्ट्रोटर्फ भी नहीं है, ये मिट्टी के ग्राउंड पर प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इसके लिए ये गोल रोकना बहुत बड़ी बात है। और अबूबकर ने जो अभी ये शाबाश दी वकार को, ये रूह है इस टूर्नामेंट की, इसीलिए हम सीनियर्स और जूनियर्स को साथ खेलता हुआ देख रहे हैं, बिकॉज हम पाकिस्तान हॉकी की बेहतरी देखना चाहते हैं और ये प्लेयर्स भी खुद ये चाहते हैं कि पाकिस्तान हॉकी में बेहतरी आए। बिल्कुल दानिश, और ये एक अमन का पैगाम है और इसी को स्पोर्ट्स कहते हैं और यही होता है स्पोर्ट्समैनशिप और यही वो चीज़ है जो हमारे नौजवानों को ऊपर लेके आएगी और इंशाल्लाह पूरी दुनिया हमें अमन का सफीर कहकर पुकारेगी। If you're watching anywhere in the world, even outside Pakistan, this is what we are. This is what we bring. ये टैलेंट है पाकिस्तान का जो आपको पाकिस्तान के एक सूबे, सिर्फ एक सूबे केपीके से नजर आ रहा है। इस दौरान पेनल्टी कॉर्नर मिला है मर्दान बियर्स को, क्या अपना तीसरा गोल करेंगे? मिलना तो चाहिए, इस टीम ने बड़ा एफर्ट किया है। The injection about to come in. Here it comes. And here comes the drag flick. But stopped by the goalkeeper there. अच्छा सेव किया है, बहुत अच्छा गोल रोका है गोलकीपर ने, अच्छी कोशिश की है मर्दान की टीम ने। मैंने दानिश आपको कहा कि मर्दान ने अपने खेल का टेम्पो नहीं खोया है, मुसलसल वो ठीक है गोल खा रही है लेकिन वो अच्छे खेल का मुजाहरा, देखो अभी भी मर्दान की टीम अटैक में है। मर्दान की टीम के खिलाड़ी के पास गेंद और अच्छा पास अपने फारूक की तरफ फेंकने की कोशिश की, लेकिन फाउल हुआ उस खिलाड़ी का और पुशिंग लेंगे पेशावर फाल्कन के खिलाड़ी। इस प्रेशर का फायदा मर्दान बियर्स को शायद इस मैच में तो ना हो लेकिन आगे आने वाले मैचेस में जरूर होगा, क्योंकि जो मुखालिफ टीमें देख रही हैं वो देख रही हैं कि मर्दान बियर्स की टीम गिव अप नहीं करती है, वो आखिरी सेकंड तक विसल तक लड़ती है और इसका फायदा इनको आगे चल के होगा। इस दौरान मैच का इख्तिताम हुआ चाहता है चौथे क्वार्टर के इख्तिताम पर, पेशावर फाल्कन्स की टीम ने ये मैच अपने नाम किया। ओवरऑल दोनों टीम्स की जानिब से क्या शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली, जबरदस्त परफॉर्मेंस दोनों फुल टाइम स्कोर आपके सामने, पेशावर फाल्कन 6 मर्दान बियर्स 2, चार गोल से ये मैच जीतने में कामयाब हुई पेशावर फाल्कन की टीम। दानिश साहब हार जीत तो होता रहता है, ये ठीक है मैच समरी आपके सामने, पेशावर फाल्कन ने 6 गोल स्कोर किए, मर्दान बियर्स ने 2 गोल स्कोर किए, 1 गोल सेव किया पेशावर फाल्कन ने, 5 गोल सेव किए मर्दान बियर्स ने, 6 गोल्स ऑन टारगेट थे पेशावर फाल्कन के जबकि 2 ऑन टारगेट शॉट्स थे मर्दान बियर्स के, 1 ऑफ टारगेट शॉट था पेशावर फाल्कन का जबकि 1 ही ऑफ टारगेट शॉट था मर्दान बियर्स का, 4 पेनल्टी कॉर्नर्स पेशावर फाल्कन को मिले, 3 पेनल्टी कॉर्नर्स मर्दान बियर्स को मिले, 1 पेनल्टी स्ट्रोक भी हासिल किया पेशावर फाल्कन ने जिसको डिनाई किया मर्दान बियर्स के वकार ने, 3 ग्रीन कार्ड्स भी मिले पेशावर फाल्कन की टीम को। जमशेद खान बहुत शुक्रिया आपका, साथ साथ सबसे अली तरीन आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के लिए जियो सुपर की इस प्रोडक्शन से इतना ही, केपीके हॉकी लीग में कल आपके लिए चार सदा से ही मजीद एक्साइटिंग मैचेस लेके आएंगे। आज के लिए दानिश अनीस और कमेंट्री टीम को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।